कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर थर्ड, नाजीज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, और यह है वीडियो नंबर 5। इसके पहले के चारों वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर दे दिए हैं। आप वहां से इन सारे उन चारों वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 2.1, जिसका नाम है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ तक हमने हिटलर के बारे में पढ़ा और हिटलर का राइज के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो पावर में आया, और उसी का एक हिस्सा है ये द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कि किस तरह से डेमोक्रेसी को उसने अंत किया, खात्मा किया जर्मनी के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है 1933 की। 1933 में 30 जनवरी को, यानी 30 जनवरी को, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जर्मनी के उस समय के, हिंडनबर्ग, उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर किया, जो कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर में हाईएस्ट पोस्ट होता है। तो जैसे इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही जर्मनी में चांसलर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ही काम करते हैं। और हिटलर उस समय चांसलर बन गया जर्मनी का। इस समय तक जितने भी नाजीज थे और हिटलर, उन सभी ने, जितने भी कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग थे, जो कि पुरानी विचारधारा के लोग थे और पुराने जर्मनी को देखना चाहते थे, या फिर इस तरह की विचारधारा के लोग थे, उन सभी को अपने पक्ष में कर लिया था और उन सभी का समर्थन हासिल कर लिया था। तो पावर आने के बाद, यानी कि चांसलर बनने के बाद और पावर अपने हाथ में आने के बाद, हिटलर ने डेमोक्रेसी के जितने भी क्या कहते हैं बिल्डिंग्स थे या फिर स्ट्रक्चर्स थे, जिनको हम निशानी के तौर पर मानते थे डेमोक्रेटिक रूल का, उन सभी को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग को ख़त्म करना, एक तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उसने क्लियरली कहकर ख़त्म किया था। एक आग अचानक फैल गई थी पार्लियामेंट में, जर्मन पार्लियामेंट में, जिससे वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तहस नहस हो गई। और यह हुआ था आपको फरवरी में, यानी जनवरी में वो चांसलर बना, उसके तुरंत कुछ दिनों बाद ही जर्मन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई। और इस वजह से ये जो इवेंट हुआ, ये इवेंट, इस इवेंट ने उसे अपने पद को मजबूत करने में और मदद किया। तो एक फायर डिक्री लाया गया, यानी अध्यादेश लाया गया 28 फरवरी 1933 को, जिसने सभी सिविल राइट्स जो थे उन सभी को सस्पेंड कर दिया, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को सस्पेंड कर दिया, प्रेस और असेंबली के राइट्स को रिमूव कर दिया। और ये सभी चीज़ें जो थी ये वाइमर रिपब्लिक द्वारा प्रदान की गई थी, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। और इसके बाद उसने अपने जो दुश्मन थे, दुश्मन आइडियोलॉजी के लोग थे, उनकी तरफ अपना रुख किया, उन्हें ख़त्म करना, उन्हें हटाना शुरू किया। और सबसे पहले इसने शुरुआत की कम्युनिस्ट लोगों के साथ, क्योंकि कम्युनिस्ट को ये अपना एक तरह से दुश्मन मानता था और ये नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट शासन वहाँ पर आए और कम्युनिस्ट का सर उठे। इसलिए इसमें से ज़्यादातर लोगों को उठाकर तुरंत ही डाल दिया गया, नए नए जो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे उसमें। तो अब यहाँ बात आती है कि कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे। तो देखिए कंसंट्रेशन कैंप्स ऐसे जेल थे जहाँ पर बिना किसी केस के, बिना किसी ट्रायल्स के, कितने भी दिनों तक लोगों को रखा जा सकता था। जैसे अगर आपको जेल में डालना है और आप पर ट्रायल नहीं चलाना है, आप पर कोई केस नहीं चलाना है, तो आपको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा इस तरह से। तो कम्युनिस्ट जो थे उनका रिप्रेशन, उनका अंत बहुत ही बुरी तरह से किया गया था। और एक शहर था डसेलडॉर्फ, ये एक छोटा सा शहर था जिसमें करीब 5 लाख लोग रहते थे। इसमें करीब 6,800 फाइलें मिली थी युद्ध खत्म होने के बाद, जिनको की अरेस्ट किया गया था या फिर जेल में डाला गया था। उसमें से 1440 फाइलें सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों की थी, यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों की थी। तो देखिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ कम्युनिस्ट लोगों को ही हिटलर ने अपना टारगेट बनाया था। इसके अलावा अगर कम्युनिस्ट को मिला दें, और उसके अलावा करीब 52 तरह के लोग जो थे वो हिटलर के अत्याचारों का शिकार हुए थे, और कम्युनिस्ट उनमें से सिर्फ एक थे। तो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोगों को अपना शिकार बनाया था हिटलर ने। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तीन मार्च 1933 को
एक इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। ये जो एक्ट था, इसने एक तरीके से जर्मनी में डिक्टेटरशिप की स्थापना कर दी। इसने हिटलर को वो सभी पावर दे दिए जो कि एक पार्लियामेंट के पास होती है या फिर किसी एक गवर्नमेंट के पास होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना ही कोई भी चीज़ कर सकता है, कोई भी आदेश लागू कर सकता है, और वो सिर्फ अध्यादेश के आधार पर किसी भी चीज़ को फॉलो करा सकता है। और इसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे नाजी पार्टी के अलावा, उन सभी को बैन कर दिया गया। ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया जो कि नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे, और वैसे ट्रेड यूनियंस या फिर सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को रहने दिया गया जो कि नाजी पार्टी के सपोर्टर्स थे या फिर नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया करते थे। और इसके अलावा जो स्टेट था, जैसे यानी कि जो सरकार था यानी हिटलर, उसने पूरी तरह से अपना कंट्रोल जमा लिया इकोनॉमी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, आर्मी के ऊपर और जुडिशियरी के ऊपर। यानी कि पूरे देश में जो नाजी पार्टी के लोग चाहते सिर्फ वही होता, उसके अलावा कोई दूसरा टिक ही नहीं सकता वहाँ पर। इसके अलावा स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस का गठन किया गया ताकि सोसाइटी में एक स्पेसिफिक ऑर्डर बनाया जा सके जिस तरीके से नाजी चाहते हैं। जैसे कि पहले से ही बहुत सारे पुलिस मौजूद थे, उसके अलावा भी जैसे रेगुलर पुलिस जो हुआ करते थे वो ग्रीन यूनिफॉर्म में हुआ करते थे, उसके अलावा अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाए गए, यानी कि अलग अलग तरह के क्या कहते हैं पुलिस संस्थान बनाए गए, जैसे स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाए गए, इनमें आते थे आपको गेस्टेपो, ये आपको एक तरह का सीक्रेट सर्विस पुलिस हुआ करते थे। इसके अलावा एसएस प्रोटेक्शन का स्क्वाड होते थे, क्रिमिनल पुलिस, इसके अलावा सिक्योरिटी सर्विस एसडी। तो देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं, जितने भी संगठन ये सभी बनाए गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, इन सभी को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, किसी को भी जेल में डाल सकते थे बिना कोई केस के, बिना कोई सबूत के, बिना कुछ के। इसका मतलब ये एक तरीके से ये सभी जो इंस्टीट्यूशन थे वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप चला रहे थे पूरे जर्मनी के अंदर, और जर्मनी के और जिन रीजन्स को हिटलर ने कैप्चर किया था उन सभी रीजन्स के अंदर। ये जो नाजी स्टेट के तो एक तरीके से हम बात करें, यही जो संगठन थे ये सभी, इन्हीं संगठन के वजह से जो जर्मनी थी उस समय की जर्मनी, हिटलर की जर्मनी, उसे एक क्रिमिनल स्टेट का दर्जा दिया गया। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चेंबर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कंसंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। तो देखिए यहाँ पर सिंपली कहता है कि अगर गेस्टापो चाहता, यानी जो खुफिया विभाग था वो चाहता, तो किसी को भी अरेस्ट कर सकता था, किसी को भी डिटेन कर सकता था टॉर्चर चेंबर में, और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता था, या फिर देश से निकाला जा सकता था, या फिर बिना किसी लीगल प्रोसीजर के अरेस्ट किया जा सकता था। तो देखिए पुलिस फोर्सेस जो थे उनके पास बिना किसी जवाबदेही के अपने काम करने का अधिकार मिल गया, वो बिना सरकार के प्रति या फिर बिना किसी जनता के प्रति जवाबदेह होए बिना अपना काम कर सकते थे, यानी कि किसी को भी जेल में डाल सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। इसके बाद अब हम टॉपिक नंबर पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 2.2 जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। इसका सीधा मतलब हुआ कि किस तरह से जो इकोनॉमी कमज़ोर इकोनॉमी थी, डूबी हुई इकोनॉमी थी, उस तरह के इकोनॉमी को उभारा कैसे हिटलर ने। तो देखिए हिटलर ने इकोनॉमी को सुधारने के लिए या फिर इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट थे जामलार शाट, इनको सौंपा ये जिम्मा कि वो इकोनॉमी को सुधारे। इन्होंने एम किया कि ये जो फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए ये स्टेट फंडेड वर्क के थ्रू होना चाहिए। एक प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, ये इसी स्कीम के तहत लोगों को जॉब देने का काम शुरू किया गया और फिर इकोनॉमी को उभारने का काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट ने बहुत अलग अलग तरह के फेमस
सुपर हाईवेज को क्रिएट किया। इसके अलावा जो पीपुल्स कार उस समय की जर्मनी की थी, वोल्क्स वैगन, जो कि आज हम इंडिया में भी देखते हैं वोल्क्स वैगन कारें, वो सभी उसी समय में बनाई गई थी, कंपनी का निर्माण किया गया था। तो वोल्क्स वैगन, ऐसा नहीं कि वोल्क्स वैगन सिर्फ वोल्क्स वैगन है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज उससे जुड़ी हुई हैं, जैसे ऑडी, उस ऑडी का मालिक भी वोल्क्स वैगन है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये सभी तो अभी तक बात हो गई अंदर की, यानी कि जर्मनी के अंदर की। अब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को काफ़ी तुरंत ही अच्छे अच्छे सक्सेस मिले। उसने खुद को लीग ऑफ नेशन से आज़ाद करा लिया 1933 में। लीग ऑफ नेशन क्या होता है इसको हम अलग वीडियो में, आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर पता चलेगा। और उसने राइनलैंड, तो ऊपर आपने मैप में देखा होगा पिछले वीडियोस में कि राइनलैंड को कैप्चर कर लिया गया था फ्रांस द्वारा, तो उसने फिर से राइनलैंड को कैप्चर कर लिया 1936 में। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो था उसे जर्मनी में मिला लिया। और इन सभी कामों के लिए, यानी कि इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने के लिए, जैसे राइनलैंड को, ऑस्ट्रिया को, इन सभी क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाने के लिए उसने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये एक स्लोगन दिया गया ताकि लोगों में एकता का भावना आए और लोगों को ये सभी चीज़ें अच्छी लगें। तो इसके बाद वो आगे बढ़ा और रेस्ट, इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया जो था उसमें एक हिस्सा था जहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग रहते थे, वहाँ पर वो ज़्यादातर जर्मन स्पीकिंग, जर्मन बोलचाल करते थे। तो उस रीजन को हिटलर ने कैप्चर कर लिया चेकोस्लोवाकिया से, और उसके बाद पूरे कंट्री को, यानी पूरे चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर लिया। यानी कि इस तरह से दो देशों को तो उसने तुरंत ही कैप्चर कर लिया, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को, और जो राइनलैंड था फ्रांस से उसने अपने अंदर कब्जा में ले लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए ये सभी चीज़ें जब हो रही थी तो इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा, इंग्लैंड जर्मनी को सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि इंग्लैंड का मानना था कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो संधि हुई, जो वर्साय की संधि हुई, उसमें जर्मनी के ऊपर काफ़ी हार्श मेजरमेंट लिए गए और जर्मनी के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से इंग्लैंड भी अंदर अंदर उसे सपोर्ट कर रहा था कि हाँ जितने उसके एरियाज़ हैं उन सभी एरियाज़ उसे वापस मिलनी चाहिए और उसकी जो डिग्निटी है वो वापस आनी चाहिए। तो ये जो क्विक सक्सेस मिला अपने घर के अंदर भी, यानी जर्मनी के अंदर भी, और अब्रॉड यानी कि फॉरेन पॉलिसी में, तो इन सभी चीज़ों ने कंट्री के डेस्टिनी को एक तरीके से रिवर्स कर दिया। जो कि कंट्री एकदम कमज़ोर थी, बिल्कुल उसके अंदर ताकत नहीं थी, वो बिल्कुल रिवर्स हो गई और वो एक पावरफुल स्टेट बनने की तरफ मुड़ गया। तो ऐसा नहीं था कि हिटलर इतना कुछ करने के बाद वो वापस रुक गया, उसने इन सभी चीज़ों को जारी रखा। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। शार्ट हैड एडवाइस हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो देखिए जो हिटलर का इकोनॉमिस्ट था, यानी हिटलर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने हिटलर को आगाह किया था कि आपको आर्मी के ऊपर, यानी कि हथियारों पर और साजो सामानों पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न यह है कि जो इकोनॉमी है अभी जर्मनी की, वो अभी डेफिसिट फाइनेंसिंग पर चल रही है। इसका मतलब है कि उधार लेकर चल रही है, तो इस वजह से आपको इतना ज़्यादा खर्च आर्मी पर नहीं करना चाहिए। तो बात यह है कि नाजी जर्मनी में हिटलर को ज़रा भी नहीं पसंद था कि इस तरह के कमज़ोर लोगों को, कि वो कमज़ोर लोग उसके साथ रहें, तो इसलिए तुरंत ही शार्ट को तुरंत ही पद से हटा दिया गया और इसके जगह पर दूसरे व्यक्ति को इकोनॉमिक संभालने के लिए बैठाया गया। हिटलर जो है उसने वार का ऑप्शन चुना ताकि वो इकोनॉमिक के प्रोडक्शन को बढ़ा, इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और इकोनॉमी अपने देश की ताकत को मजबूत कर सके। तो यहाँ आप मैप में देखेंगे तो मैप में ये देखिए, यहाँ पर आपको किधर गया जर्मनी, ये देखिए ये जर्मनी है। और इसके अलावा बहुत सारे रीजन्स को उसने कैप्चर किया था, जैसे उसने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, फिर आपको नॉर्वे, फिनलैंड, यूक्रेन, इन सभी रीजन्स को कैप्चर कर लिया था, चेकोस्लोवाकिया, इन सभी रीजन्स को। और इधर आगे आपको बढ़ते बढ़ते यहाँ पर शायद आकर वो हार गया था इस जगह पर। तो इन सभी चीज़ों को आगे के वीडियोज़ में हम समझ जाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए हिटलर ने वार का रास्ता चुना, और इसके लिए
उसने एक तरीका अपनाया, उसने सोचा कि मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कैप्चर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को अपने देश के अंदर मिला लूँ, तो वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल रिसोर्सेज हो गए या फिर जो स्टील रिसोर्सेज हो गए, इस तरह के चीज़ों को मैं अगर कैप्चर कर लूँ तो मेरे देश को काफ़ी मजबूती मिलेगी, मैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाऊँगा। तो इसलिए सितंबर 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को, पोलैंड को अपने कब्जे में ले लिया। और क्योंकि पोलैंड जो है वो एक तरह का फ्रेंडली ट्रीटी के साथ टाइट था फ्रांस और इंग्लैंड के साथ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ फ्रेंडली ट्रीटी का कि अगर कोई पोलैंड पर अटैक करता है तो उसे फ्रांस और इंग्लैंड पर भी अटैक समझा जाएगा, ये एक तरह का ट्रीटी थी। तो इस वजह से जर्मनी ने जैसे ही पोलैंड को इन्वेड किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने खुद को जर्मनी के साथ युद्ध में झोंक दिया और ऐलान कर दिया कि वो अब जर्मनी के साथ युद्ध लड़ेंगे। सितंबर 1940 में हिटलर ने एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया जिसमें कि जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने एक दूसरे को मदद करने का ऐलान किया। और इस वजह से हिटलर का जो वर्ल्ड में क्लेम था इंटरनेशनल पावर होने का, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया। और इसके अलावा पपेट रेजिम्स बैठाए गए, यानी कि जो हिटलर के इशारों पर चलने वाले देश थे वैसे रेजिम्स बैठाए गए नाजी जर्मनी के सपोर्ट करने वाले देशों को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में, यानी यूरोप के जिन के इलाकों को कैप्चर किया था जर्मनी ने या फिर उसके बाहर जहाँ पर उसकी पावर चल सकती थी, वहाँ पर ऐसे सरकारें बैठाई गई जो कि नाजी जर्मनी को सपोर्ट करें। 1940 के खत्म होते होते तक जो हिटलर था वो अपने पावर के पिनाकल पर था, यानी अपने पावर के टॉप स्थिति पर था, यानी उस समय वो सबसे ज्यादा मजबूत था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हिटलर ने इतना चीज करने के बाद अब उसने लॉन्ग टर्म चीज़ों को सोचना शुरू किया और इसके लिए उसने ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करने का प्लान बनाया। तो वो अपने लोगों के लिए फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस चाहता था, यानी कि उसके जो जर्मनी के लोग हैं वहाँ पर जो इतनी स्पेस की समस्या है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फूड सप्लाईज की समस्या है, तो उस चीज़ को इंश्योर करना चाहता था कि लोगों को अच्छा कंडीशन मिले और फूड सप्लाईज बनी रहे। तो इसलिए उसने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया जून 1941 में। तो इस वजह से ये जो एक तरह का इवेंट हुआ, ये हिटलर का एक तरीके से सबसे बड़ा बेवकूफ़ी माना जाता है कि अगर उसने सोवियत यूनियन पर अटैक नहीं किया होता तो हो सकता था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार जीत जाता। उसका रीज़न ये था कि जब उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया, यानी देखिए ये अगर हिटलर का इलाका है और इधर आपको फ्रांस है और इधर ब्रिटेन है और इधर आपको USSR है, तो हिटलर ने इस तरफ फोकस किया और इधर कैप्चर करना शुरू कर दिया, लेकिन इधर के इलाके जो हैं उसके कमज़ोर हो गए, यानी कि जो ब्रिटेन के अटैक हो गए वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए और इस वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। ये जो हिस्टोरिक ब्लंडर किया गया हिटलर द्वारा, इस वजह से जर्मन का जो वेस्टर्न फ्रंट था जो कि ब्रिटिश के तरफ था वो उनके बॉम्बिंग के जद में आ गए, क्योंकि ज़्यादा फोकस किया जा रहा था आपको USSR की तरफ और USSR की तरफ कंडीशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि प्लेस बहुत ही कोल्ड था और वहाँ पर जो सोवियत आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने क्रशिंग और ह्यूमिलेटिंग डिफीट दिया जर्मनी को स्टालिन ग्रेड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जर्मनी के सैनिक मारे गए। और इसके बाद जो सोवियत रेड आर्मी थी उसने पीछे हटते जर्मन सैनिकों का पीछा किया, यानी कि जो जर्मन सैनिक हार रहे थे वो अपने बंकरों को छोड़कर पीछे पीछे हटते जा रहे थे जैसे जैसे वो आगे बढ़े थे। और इसके बाद इतना वो पीछे हट गए कि जो सोवियत रेड आर्मी थी वो अंतिम में जाकर बर्लिन तक पहुंच गई, यानी कि हिटलर के बंकर तक पहुँच गई। और इस वजह से तो आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न यूरोप था, यानी कि हम क्या कहते हैं जर्मनी के उस तरफ का इलाका, यानी कि जो यूक्रेन था और भी जो इलाके थे वो आ गए सोवियत कंट्रोल के अंदर में, और ये करीब अगले 50 सालों तक उसके अंडर में रहा, जब तक 1991 में जो सोवियत यूनियन है वो टूट नहीं गया, तब तक वो पूरी तरह से सोवियत यूनियन के कंट्रोल में रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं USA की।
तो यूएसए जो था वो वार में इन्वॉल्व होने से बच रहा था अभी तक 1941 तक। वो नहीं चाहता था कि वो वार में इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उसने देखे थे वो फिर से उन सभी को देखना नहीं चाहता था। तो इस वजह से वो वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन वो वार से ज़्यादा दिनों तक बार बार नहीं रह पाया, क्योंकि जो जापान था, जापान अपने पावर्स को एक्सपेंड कर रहा था ईस्ट में, और उसने चाइना पर अटैक किया था। इंडो चाइना रीजन जो था, जैसे कि वियतनाम, लाओस, इन रीजन्स पर अटैक किया था, उन उसके बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया था। और वो यूएस के नेवल बेसिस पे, पेसिफिक में जो यूएस नेवल बेसिस थे उस पर अटैक करने का प्लानिंग कर रहा था। तो इसके बाद जब जापान ने अपने सपोर्ट को हिटलर के साथ अपने आप को ज्वाइन किया, यानी कि हिटलर और जापान जब एक साथ आ गए, और इसके साथ ही पर्ल हार्बर पर जब अटैक किया जापान ने, तब जाकर जो यूएस है वो सेकेंड वर्ल्ड वार में एंटर कर गया। और इस तरह से इतने सारे देश वर्ल्ड वार में एंटर कर गए, और ये जो वार है ये एंड हुआ मई 1945 में। और इस वार में हिटलर की डिफीट हुई, और यूएस के जो बॉम्ब गिराए गए थे यूएस द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर, इस वजह से जापान ने भी हार स्वीकार कर ली। और इस तरीके से हम थोड़ा सा समझे कि किस तरीके से युद्ध चला था। तो ये देखिए, ब्रीफ अकाउंट से हम समझ गए कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ क्या था। अब हम वापस चलेंगे अपने हेमंत की स्टोरी पर और उसके फादर की स्टोरी पर, और पढ़ेंगे नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग वार, यानी वार के दौरान जो नाजी क्रिमिनलिटी की गई थी, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।